जो है तो कृष्ण इस बाल लीलाएं कर रहे थे, जिसको देख करके इंद्र को भी बड़ा भ्रम में पड़ गया। इंद्र सोचने लगा कि मैं जो है तो सबका मालिक हूँ, सबका जो है तो पानी बरसाने वाला हूँ, गायों के लिए घास इत्यादि देने वाला हूँ, लेकिन ये छोटा सा बालक के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी जो है तो पूजा बंद करवा दिया और गिरिराज गोवर्धन की पूजा जो है तो शुरू करवा दिया। इससे क्रुद्ध होकर के इंद्र ने क्या किया, वृष्टि किया, इतनी बारिश किया कि जिससे सोचा कि मैं जो है इस ब्रज को पूरा डुबा दूंगा और समंतक मेघ समंतक बारिश कर करके। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उन ब्रजवासियों को जो है तो इस गिरिराज जी के तलहटी में अर्थात उनके नीचे, और कृष्ण ने एक उंगली के यानी कि दाहिनी उंगली के कनिष्ठ उंगली में जो है तो गिरिराज जी को धारण कर लिया और सारे ब्रजवासियों को उस ब्रज के नीचे अर्थात उस गिरिराज जी के नीचे छुपा दिया। और एक भी जितनी भी वृष्टि हो रही थी, बारिश हो रही थी, उसमें से क्यों जो है तो कृष्ण को या ब्रजवासियों को एक बूंद भी पानी जो है तो उनको भिगा नहीं पाया। ये देख करके जब जो है इंद्र ने अपने अनुचरों को भेजा यहाँ पर कि जा करके देख के आओ कि ब्रज डूब गया या बचा, लेकिन जैसे ही इंद्र के अनुचर यहाँ पर आए, ब्रज में देखा, बोला भैया यहाँ तो धूल उठ रही है, एक बूंद का पता भी नहीं पानी गया कहाँ। और बोले वरुण देव से, बोले पानी कहाँ है, बोले महाराज पानी तो सब खत्म हो गया। बोले बड़ी समस्या होगी, अब क्या होगा। बोले ये है कौन, बोले ये भगवान है। है तब सोचा इंद्र कि अब मैं जाऊं कैसे, क्योंकि अगर किसी के चरण में यदि अपराध हो जाए तो उसके जो प्रियजन है उनके पास जा करके या उनके जो अनुगत जन है उनके पास में जा करके उनके माध्यम से क्षमा हो सकता है। ऐसे ही इंद्र ने विचार किया कि कृष्ण को अधिक प्रिय कौन है, गाय। उनको लेकर के यदि मैं जाऊंगा तो कृष्ण जो है मुझे क्षमा कर देंगे। और यहाँ पर आकर के कृष्ण ने गाय के साथ सुरभि गाय को लेकर के यहाँ पर कृष्ण का जो है तो स्तुतियाँ करते हुए उनका जो है तो अभिषेक किया, और अभिषेक करते हुए इनका जो तो नाम भगवान का एक लीला के कारण से इनका नाम पड़ गया गोविंद, और ये कुंड का नाम है गोविंद कुंड। यहीं पर श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी यहाँ पर रह करके भजन करते थे। भजन करते करते, क्योंकि पहले जो महाराज लोग भजन करते थे वो मठ मंदिर इत्यादि बना के नहीं रहते थे, वो पहले ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे या ऐसे किसी तलहटी का सहारा लेकर के भजन साधन करते थे। यहीं पर माधवेंद्र पुरीपाद जी भजन करते करते और कृष्ण ने क्या किया कि एक दूध लेकर के किसी पात्र में और माधवेंद्र पुरीपाद जी को पिलाने के लिए आए और दे करके चले गए। बोले बाबा इसको आप पी लेना, क्योंकि हमारी मैया ने तुम्हें देखा है कि तुम यहाँ पर जो है तो भजन साधन कर रहे हो, इसको देख करके हमारे जो तो ब्रज के लोग कभी भी साधुओं को भूखा नहीं रहने देते। ये सुन करके माधवेंद्र पुरीपाद जी सोचे ठीक है कोई बात नहीं रख दो। ये रख करके जब चले गए, अब माधवेंद्र पुरीपाद हैं कौन, वो परम विरक्त हैं, वो किसी के प्रति आसक्त नहीं होते, ना ही कभी किसी का चिंतन करते, एकमात्र ब्रज जो भगवान का चिंतन करते हैं। लेकिन बार बार उनके चिंतन में कौन आए, वही छोटा सा लाला जो बार बार दिखाई पड़े। अब वो विचार करने लगे कि हाय हाय ये क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों दिख रहा है मुझे, ये देख करके। और जब उन्होंने क्या किया, उस दूध को पी लिया। सुना जाता है कि उस दूध को पी लिया, लेकिन कहते जैसे ही पीने के बाद इसके बाद उनको थोड़ा सा तंद्रा आई, अर्थात थोड़ा सा आंखें उनकी बंद सी हुई, उस टाइम उन्होंने क्या देखा कि वो आकर के बोला मैं कोई नहीं, मैं कृष्ण ही हूँ। इसको जब उनकी आंखें खुली तो वो देखते ही रह गए, सोचने लगे कि हाय हाय मैंने क्या कर दिया। इस तरह से जो है तो माधवेंद्र पुरीपाद जी की समाधि है, यहाँ पर हम आए हैं और आकर के हम भी श्री गिरिराज महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारे नित्य भक्त नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा करना तो कहते थे संसारिक वस्तु कुछ भी नहीं मांगना, एकमात्र क्या मांगना, हमें राधा दास्यम प्राप्त हो। ऐसे ही हम भी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसे गुरु वैष्णव के अनुगत में उस राधा भाव दास हमारे अंदर भी उद्देश्य बन जाए। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्प तरुवृक्ष कृपा सिंधु देवता पहचान नाम पर जय। बोलो गोविंद भगवान की। इन्होंने आप लोगों ने सुना है कैसे इन्होंने कृष्ण के चरण में अपराध किया है, लेकिन अपराध करने पर भी लेकिन उन्होंने जो भगवान को उन्होंने अभिषेक किया है, अभिषेक करने के बाद उनका नाम गोविंद रखा। कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो गोविंद नाम है इसका बड़ा महत्व है,
इसलिए मैया कुंती उनको स्तुति करती है ना, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। उनको गोविंद बोल करके संबोधन करते, बोले क्यों? तो विश्वनाथ को ठाकुर कहते हैं, पहले कहते हैं कृष्णाय, कृष्णाय मतलब जगत में सबसे जो सबसे बड़ा उपासना है भगवान कृष्ण की भक्ति है। लेकिन कृष्ण भक्ति जो करते हो जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवान, लेकिन उनसे ज्यादा सौभाग्यवान कौन? बोले वसुदेवाय, श्री वसुदेव महाराज। बोले क्यों? बोले कृष्ण परात्पर परम ब्रह्म जगत पिता होते हुए भी उनने पिता किसको बनाया? श्री वसुदेव महाराज को। लेकिन उनसे बड़ा कौन है? बोले देवकी। बोले किस लिए? कहते कृष्ण विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर में रहता है, लेकिन कृष्ण जब आए किसकी गर्भ को आश्रय करते हुए आए? श्री देवकी मैया। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? कहते नंद बाबा और मैया जसोदा। बोले क्यों? बोले कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन उन्हें लीला कहाँ पर करते हैं? इसलिए कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लाल की। इसलिए उन्होंने ब्रज में जो बात्सल रस को जो आस्वादन किया श्री नंद और श्री जसोदा। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले ये ब्रज की गोपियां हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण जिनको साथ लिए सर्वश्रेष्ठ लीला उन्होंने श्री रासलीला की। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले सर्व गोपेषु सेवै का विष्णु रत्यंत वल्लभा। ये ब्रज गोपियां भी जिनकी चरण की उपासना करते हैं आराधना करते हैं कौन है? ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनका नाम रखा गोविंद। बोले गो मतलब बोले इंद्रिया, बोले बिंद मतलब आनंद है। कृष्ण यद्यपि सभी को इंद्रियों को कृष्ण आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन इस सर्वोत्तम रूप में किसकी इंद्रियों का तृप्त करते हैं? बोले श्री राधा रानी। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते गोविंद नंदिनी राधा, गोविंदा नंदिनी राधा कृष्ण सर्वस्व। इसलिए उन्होंने श्री गोविंद नाम रखे, लेकिन कृष्ण इनको बड़े संतुष्ट हुए। इनको बड़े संतुष्ट होकर बोले संतुष्ट किस लिए हुए? उन्हें तो क्रोध तो किया है, लेकिन संतुष्ट इसीलिए हुए उन्होंने दो चार काम बहुत अच्छा काम कर दिया। बोले दो चार काम क्या अच्छा किया? कृष्ण स्वस्थ थे, मैं चाहता हूँ ये ब्रजवासी मेरा अपना है, इनको साथ में सात सात दिन एकत्रित होकर के हम चाहते हैं इनको साथ में लीला करें। और जिस राधा रानी से मिलना बड़ा कठिन होता है, कैसे लीला करें? जब गिरिराज धारण करूंगा सारे ब्रजवासी गिरिराज तलेटी में आएंगे, नहीं चाहने पर भी राधा रानी मेरे से मिलना पड़ेगा। क्यों? अभी चारों तरफ पे बारिश हो रहा है तो अभी तो क्या होगा? अभी तो राधा रानी को आना पड़ेगा। लेकिन जब राधा रानी कृष्ण को सामने आ गई, अभी राधा रानी इतने सुंदरी जिनको सुंदरता को देख करके कितना बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम, जिनकी बंसुरी गिर जाती है, सर से मर मुकुट गिर जाता है, जिनका पीताम्बर भी गिर जाता है। अभी कृष्ण गिरिराज धारण किया था, जब राधा रानी सामने आ गई ना, कृष्ण तो राधा रानी को देख कर टलमल हिल लगे। ए सखावन, बोले कन्हैया क्या कर रहे हो? तू किधर देख रहे हो? तू देख नहीं रहे हो गिरिराज को? तलेटी में इतने सारे गोपियां ब्रजवासी खड़े हैं, ये गिरिराज टलमल कर रहा है। सावधान रहो, इधर उधर मत देखा करो, सीधा देखो। क्यों? राधा रानी को देख लिया ना, इसलिए राधा रानी को देखते ही गिरिराज। इसलिए उन्होंने क्या किया? ब्रजवासियों को एकत्रित करते हुए उन्होंने श्री राधा रानी को साथ में मिलन हुई। और दूसरी बात है कि गिरिराज धारण करने पर कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ लीला रासलीला है, कहते रासलीला में गिरिराज गोवर्धन सबसे ज्यादा सहायिका बने। बोले क्यों? इसलिए कृष्ण ये ब्रज गोपियों का आकर्षण करते हुए रासलीला करना चाह रहे थे। हैं? अभी क्या कैसे करें? इसलिए उन्होंने जब कालियों को सर पर नृत्य की, और जब उन्होंने 7 साल का बालक, 7 क्रोश गिरिराज, और उन्हें 7 दिन तक उन्होंने कनिष्ठ अंगुल पर उन्होंने गिरिराज उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज की जय। इसलिए नख को ऊपर में गिरिराज धारण उन्होंने कर दिया। इसलिए ब्रज गोपियां राधा रानी देख करके बोले बाबा रे बड़ा पहलवान है। इसलिए जितने गोपियां राधा रानी थी सब के सब कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई। तो उनका जो सर्वोत्तम रासलीला था वासी रासलीला का प्लेटफॉर्म बन गया। इसलिए यद्यपि कृष्ण इंद्र के ऊपर नाराज हुए, लेकिन अंदर अंदर में प्रसन्न हुए हैं, बल्कि तुमने बहुत मेरी सेवा की है, ये रासलीला का तुमने प्लेटफॉर्म बनाया। फिर इंद्र जी फिर कहां पर उनने देखा? यही कृष्ण कलयुग आने पर श्री नवद्वीप में सचिनंदन गौर हरि बन करके आएंगे। फिर उन्होंने सुरभि है जहां पर श्री गोद्रुम
हाँ गादी गाथा जहाँ गोद्रू में है वहीं पर उन्होंने श्री सुरभि की आनुगत्य में उन्होंने वहीं पर तपस्या की। फिर सचिनंदन गौर हरि फिर वहीं पर श्री इंद्र जी को दर्शन दे करके उन्होंने सारे हृदय की बात बताई। इसलिए जो स्थान है अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान है। बोले श्री गोविंद कुंड की जय। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की जय। हाँ हरे कृष्ण।